न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग कमांड यूज़ करते हैं npx React Native Init Project Name, ठीक है। तो इससे मेरा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्पलेट डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है कि टेम्पलेट डाउनलोड हो रहा है, बट क्या हुआ, यहाँ पे मेरा टेम्पलेट डाउनलोड फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इशू आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे ना, इसका प्रॉब्लम है कि इसको प्रोजेक्ट को डिलीट कर दो सबसे पहले। तो गिट के अंदर ना अभी जो क्रिएट हुआ केवल गिट फाइल क्रिएट हुआ, उसके अलावा कुछ क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को डिलीट ही कर देते सबसे अच्छा, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं एंड एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं फिर से, और वहाँ पे थोड़ा कमांड डिफरेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड हम लोग टाइप करेंगे npx, ठीक है, npx React Native Init प्रोजेक्ट नेम जो भी है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं बेसिक, एंड उसके बाद एक आर्गुमेंट पास करेंगे हम लोग p --pm, ठीक है, एंड लाइक npm यहाँ उसके बाद पास करेंगे, ठीक है। --pm मतलब कि --pm है वही, ठीक। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट पास हम लोग कर रहे हैं --pm एंड npm, ठीक है। तो उसके बाद यह डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा आपके इंटरनेट के स्पीड के अनुसार। तो डाउनलोडिंग हो गया, टेम्पलेट डाउनलोड हो गया एंड डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। फाइनली पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड हो गया, गिट इनिशलाइज भी हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बेसिक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाकर npx React Native रन एंड बाट करना है, ठीक है। तो क्या करता हूँ, उसको मैं VS Code में ही ओपन कर लेता हूँ कोड को। तो ओपन विथ VS Code कर दिया, एंड चलो इसको ट्रस्ट कर लेता हूँ भाई, एंड एक न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड इसमें गिट बैश ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कमांड जो होता है वो यूज करूँगा। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो कमांड होता है मेरा npx React Native रन एंड्रॉयड होता है ना, वही टाइप कर देता हूँ। थोड़ा वेट करो, बिल्ड बनेगा, बट कुछ टाइम के बाद मेरा बिल्ड फेल हो गया, ठीक है। अब देखो बिल्ड फेल हुआ, तो चलो इसको एंड्रॉयड पर रन कर देता हूँ, ठीक है। अब बिल्ड क्यों फेल हुआ, यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे डॉक्टर कमांड यूज करता हूँ, इससे मालूम चलेगा कुछ ना कुछ इशू जो होगा वो मालूम चल सकता है। npx React Native Doctor, ठीक है, npx React Native Doctor, डॉक्टर जो कि चेक करेगा क्या इशू है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मालूम चल रहा है कि मेरा जो इमुलेटर है ना, दो कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। एक तो मेरा फ़ोन कनेक्टेड है एंड एक जो एंड्रॉयड स्टूडियो का इमुलेटर है वो कनेक्टेड है, इसलिए एरर आ रहा है, इसलिए मालूम चल रहा है। तो यदि यहाँ पे हम जाएँ डिवाइस रनिंग में, तो मेरा दो डिवाइस कनेक्टेड है यहाँ पे, एक तो इमुलेटर एंड एक मेरा जो वीवो का मेरा फ़ोन है वो कनेक्टेड है। तो इसको क्या करता हूँ, सिंपली मैं डिसकनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डिसकनेक्ट हो गया एंड इसको डिसकनेक्ट किया, वाईफाई बंद कर दिया, तो डिसकनेक्ट हो गया, ठीक है। तो डिसकनेक्ट हो गया, अब मेरा एक ही डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ ना, फिर से मैं npx React Native रन एंड्रॉयड करता हूँ, ठीक है। फिर से प्रोजेक्ट को रन करता हूँ मैं, यार फिर से बिल्ड फेल हो गया। बिल्ड फेल होने के कारण यह था कि कैच बन गया था, ठीक है। तो कैच को क्लीन कर दिया मैं, एंड कैच को क्लीन करने के लिए npm स्टार्ट रीसेट क्लीन कमांड यूज किया, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग फिर से रन कमांड को यूज किया ना, npx React Native रन एंड्रॉयड, तो मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो गया था, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्ट, अब मेरा यदि चेक करें प्रोजेक्ट को, तो मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली कैच के कारण एरर आया था, ठीक है। कैच को क्लीन कर लिया, उसके बाद फिर से रन कमांड यूज किया, तो आ गया इशू सॉल्व हो गया।